Hey guys, कैसे हो आप लोग? तो guys, आज की जो हमारी जॉब होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब होने वाली है, क्योंकि ये जॉब रिलायंस की तरफ से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस की तरफ से वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में होने वाली है। बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आप लोगों को और वहां पे मैं दिखाता हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना होगा ये वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे आपको फर्स्ट जॉब आपको दिख जाएगी रिलायंस रिटेल की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे जैसे रिलायंस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने डिटेल में दी हुई है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे रिलायंस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आना देख सकते हो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होने वाला है रिलायंस रिटेल रिक्वायरमेंट 2022 होने वाला है, और ऑर्गेनाइजेशन नेम भी आप रिलायंस होने वाला है। जॉब लोकेशन आपकी जो होने वाली है वो ऑल ओवर इंडिया में होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं जॉब प्रोफाइल जो होने वाली है आप लोगों की, सेल एंड मर्चेंडाइज, स्टोर ऑपरेशन, एचआर, मार्केटिंग, एडमिन एंड सपोर्ट, कस्टमर केयर, बिजनेस डेवलपमेंट की होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी में बता दूं, यहाँ पे आपके वर्क के हिसाब से आपको मिलेगी, लगभग यहाँ पे आपको 30 से 32 हजार सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एज बोली गई है वो 18 एज बोली गई है, 18 एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से अगर नीचे हो आप तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई मोड जो होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नो फीस रिक्वायर्ड होने वाली है, ठीक है। आपको जॉब के लिए कोई भी पैसे नहीं देने, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे 100% फ्री होने वाला है अप्लाई करने के लिए, और जो पोस्ट नेम होने वाली है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो यहाँ पे मैं बता दूं पोस्ट नेम जो होने वाला है और लोकेशन जो होने वाली है, पहले पोस्ट नेम आती है हमारी सेल्स एग्जीक्यूटिव, स्टोर मैनेजर, कैशियर, डिलीवरी बॉय, स्टोर मैनेजर, फार्मासिस्ट, ये सारी चीजें पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी इस जॉब के लिए, ठीक है। यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जॉब लोकेशन पूरे इंडिया में से कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हु कैन अप्लाई डिटेल फॉर दिस जॉब, ऑल इंडिया स्टेट कैंडिडेट कैन अप्लाई, सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता दूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+10-12 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये तो पहले ही बता दिया मैंने। ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई ऑब्वियसली बात अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे आ देखो, अगर आप नीचे आओगे तो देखोगे एप्लीकेशन फीस, तो यहाँ पे सबसे मेन लिखा हुआ है यहाँ पे फ्री फॉर एवरीवन, यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, इसके लिए आपको पैसे नहीं देने, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपको मांगा जाएगा आपको जब अप्लाई करोगे, तो एजुकेशन मार्कशीट ऑब्वियसली बात है, सर्टिफिकेट्स मांगा जाएगा 10th 12th पास हो कि नहीं आप, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी मांगा जाएगा आप इजी तरीके से दे सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी सिग्नेचर मांगी जाएगी, ठीक है। आपको रिज्यूम देना पड़ेगा अपना, ठीक है। नहीं है अगर रिज्यूम बनाए तो बना लेना। तो यहाँ पे सैलरी आपको पे स्केल, आपको जॉब के पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सब पढ़ लेना, ठीक है। तो नीचे आओगे तो आपको मैं बता दूं, ये सब आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखो आपको नीचे अप्लाई लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और मोर जॉब पे जैसे क्लिक करोगे आपको ढेर सारी जॉब्स और देखने को मिल जाएंगी मेरी वेबसाइट पे। और अप्लाई लिंक पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे पहुंच जाओगे इनकी मेन वेबसाइट पे। देखो यहाँ पे कोई भी फेक वेबसाइट नहीं बता रही, यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस की तरफ से, रिलायंस की मेन वेबसाइट है ये। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ नीचे आना तो नीचे आप देख सकते हो ये ढेर सारी आपको पोस्ट दिख जाएंगे, ठीक है। असिस्टेंट ऑफिसर की, ठीक है, WHO कैटलॉग, ठीक है, CSA, ठीक है, बहुत सारी, वेस्ट बंगाल, मुंबई, जैसे मैं मुंबई के लिए अप्लाई करना है यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना, तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपको एक पेज ओपन करके देगा। तो मैं वेट करता हूँ थोड़ा, तब तक आप ये देख सकते हो बहुत सारी आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एरिया लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर, ठीक है, जबलपुर में, इंदौर में, चैम्बूर में, तो जैसे ये आप देख सकते हो ओपन हो गया, ठीक है। पोस्टेड डेट आप देख सकते हो यहाँ पे 11 नवंबर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो इनके हिसाब से है। फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई का बटन आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे नीचे आ जाना तो ये सब आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, आप जॉब सेलेक्ट अपने हिसाब से करना, देखना इसमें बिना एक्सपीरियंस वाला भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन देखो मांगा गया है, देखो फिर यहाँ पे देखो नीचे अप्लाई का बटन दिख रहा होगा, सबसे नीचे कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पे अप्लाई का बटन दिख रहा होगा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे न्यू यूजर से आप करना, क्योंकि आप यूजर तो हो नहीं इसके, पुराने यूजर तो हो नहीं, न्यू यूजर पे क्लिक करना।
फिर यहाँ पे जो भी आपसे मांगा जाएगा, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जो भी आपसे मांगा जाएगा वो आप फिलअप करते जाना, ठीक है। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, जब तक ये ओपन हो रहा है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है। ऐसी और जॉब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नीचे देखो रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो सिंपल सा आपको डाल देना, यूजर आईडी डाल देना, ईमेल आईडी, पासवर्ड कंफर्म, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना डाल देना, नीचे भी सेम डालना, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, अदर डिटेल, यहाँ पे जैसे ही कर लोगे यहाँ पे देखो नीचे रजिस्टर होगा, तो आप फुली तरीके से रजिस्टर हो जाओगे और आप अप्लाई भी हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अप्लाई कर दोगे आपको कुछ दिनों में मेल या कॉन्टेक्ट नंबर जो भी आप दियोगे को मेल आ जाएगा, या कॉन्टेक्ट किया जाएगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू, अगर व्हाट्सएप नंबर दोगे तो व्हाट्सएप के थ्रू किया जाएगा, या कॉल किया जाएगा, या ईमेल आ जाएगा, ठीक है। ये तीन तरीके से आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करना, हो सकते हो आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाओ। तो आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और जॉब देखने के लिए। तो चलिए मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय।